सीआईटी एन सीई आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा बारह के लिए हिंदी की आधार ध्वनि पाठ्य पुस्तक वितान भाग दो लेखक मनोहर श्याम जोशी लेखक परिचय मनोहर श्याम जोशी जन्म सन 1935 कुमाऊं कुमाऊ में हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविजन धारावाहिक लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य सन चौरासी में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए कथा पटकथा लेखन शुरू करने के बाद से मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन प्रमुख रचनाएं कुरुकुरु स्वाहा कसप हरिया हरिकुलिस की हैरानी हमजाद क्या कहानी संग्रह एक दुर्लभ व्यक्तित्व कैसे किस्सा गो मंदिर घाट की पौड़ियां टाटा प्रोफेसर ष्ठी वल्लभ पंत नेताजी कहिन, इस देश का यारों क्या कहना व्यंग संग्रह बातों बातों में 21वीं सदी साक्षात्कार लेख संग्रह लखनऊ मेरा लखनऊ पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर संस्मरण संग्रह हम लोग बुनियाद मुंगेरी लाल के हसीन सपने टेलीविजन धारावाहिक कहानी संग्रह क्याप के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निधन सन 2006 दिल्ली में पाठ संख्या एक सिल्वर वेडिंग लेखक मनोहर श्याम जोशी पृष्ठ संख्या एक पाठ संख्या एक सिल्वर वेडिंग संख्या एक से उन्नीस जब सेक्शन ऑफिसर वाई डी मतलब यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई तब दफ्तर की पुरानी दीवार खड़ी पांच बजकर पच्चीस मिनट बजा रही थी उनकी अपनी कलाई घड़ी में साढ़े पांच बज रहे थे पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया फाइल आउटरे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली जो उनके ही कारण पांच बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद पांडे से मतलब किशन दास से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है पृष्ठ संख्या दो सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्ढा ने जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को सम्भाव इमप्रॉपर मालूम होते हैं थोड़ी बदतमीजी सी की। As usual बोला बड़े बाऊ आपकी अपनी चूने दाने का क्या हाल है वक्त सही देती है पंतजी ने चड्ढा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है चड्ढा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है मन ही मन वो उस जमाने को याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वो किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे घड़ी की ओर देखकर वो बोला बाबा आदम के जमाने की है बड़े बाबू ये तो अब तो डिजिटल ले लो एक जापानी सस्ती मिल जाती है ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी हम पुरानी चाल के हमारी घड़ी पुरानी चाल की अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है क्यों कैसी रही इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी रेम्स स्कूल अल्मोड़ा में जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी कभी किशनदा कुआरे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहां रह जाते थे मेस जैसी थी मिलकर लाओ पकाओ खाओ यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वो नहीं लगाए जा सके तब किशनदा ने उन्हें मेस का रसोइया बनाकर रख लिया यही नहीं उन्होंने यशोधर को पचास रुपए उधार भी दिए कि वो अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके बाद में इन्हीं किशंदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया चड्ढा ने जोर से कहा बड़े बाउ आप किन ख्यालों में खो गए मैनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी यशोधर बाबू ने सक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले नाउ लेट मी सी आई वॉज मैरिड ऑन सिक्स फेबर 1947. पृष्ठ संख्या तीन मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चेक कर बोला मैनी है डे सर आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है शादी को पूरा पच्चीस साल हो गया यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए यदा उन्होंने किशन दास से सीखी थी चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा सुन भाई भगवान दास बड़े बाऊ से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चा पानी का इंतजाम कर फटाफट यशोधर जी बोले अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं हमारे यहां थोड़ी मानते हैं चड्ढा बोला मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव चाय मट्ठी, लड्डू बस इतना ही तो सौदा है इसमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जानी है यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से दस का नोट निकाला और कहा आप लोग चाय पीजिए दैट तो आई डू नॉट माइंड लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना दैट मैं सम्हा इमप्रॉपर फाइंड करता हूं चड्ढा ने दस का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है रुपए तीस हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में सौ डेढ़ सौ रुपए हमेशा रखते हैं भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे इधर पैदल आने जाने लगे हैं क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें लेकिन पिताजी को समझाओ स्कूटर निहायत बेहूदा सवारी मालूम होती है और कार जब अफोर्ड की नहीं जा सकती तब उसकी बात सोचना ही क्यों पृष्ठ संख्या चार चड्ढा के जोर देने पर बड़े बाऊ ने दस दस के नोट दो और दे दिए लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वो अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में है उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप कपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है ये बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है बब्बा आप कोई बुढ़े थोड़े हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं, इतने ज्यादा व्रत करें ऐसा कहते हैं वे यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं सिद्धांत के धनी की किशिंदा के अनुसार यही निशानी है बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं किसी से मिलना मिलाना हो तो वो भी इसी समय कर लेते हैं तो भले ही दफ्तर पांच बजे छूटता हो वो घर आठ बजे से पहले नहीं पहुंचते आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस आहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का तीन बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक छह मंजिला इमारत बनाई जा रही है इधर से गुजरते हुए कभी के डीआईजेड एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहां एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत जरूरी है उन्हें एंड्रयूजगंज लक्ष्मीबाई नगर पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप डी टू टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया है जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलॉट करा लिया पत्नी के ये पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वो घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वो उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे पृष्ठ संख्या पांच अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है यद्यपि सम्हा यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में आती नहीं वो कहते हैं कि डेढ़ हजार रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है शुरू में ही डेढ़ हजार रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेच होगा यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब वो पिछले साल एलाइट सर्विसेज की सूची में माना काफी नीचे आ गया था तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं वहां सम भी अनुभव करते हैं कि वो खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें संभाव जंचती नहीं एनीवे anyway, वे जेनरेशनों में गैप तो होता ही है सुना ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी बना डाला है। कुछ ये भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके दो विवाहित बेटे भी रहा करते थे इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया बस जिठानियों की चलने दी उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी पृष्ठ संख्या छ जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं फिर वो यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है तुम्हारी ये बाबा आदम के जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुभीता हो अब मेरे कहने से वो सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता साफ बात धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली वाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है तो यशोधर बाबू शानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुहा लोग करें तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं अनदेखा कर देना चाहते हैं लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही ना पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा उसके तमाम साथियों ने हौस खास ग्रीन पार्क कैलाश कहीं ना कहीं जमीन ली मकान बनवाया लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया रिटायर होने के छह महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहां रखने की पेशकश नहीं की स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके दो कमरों के क्वार्टर में तीन परिवार रहा करते थे किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराये का क्वार्टर लेकर रहा फिर अपने गांव लौट गया जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई ज्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी, भी बीमारी नहीं हुई बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया जो हुआ होगा यानी पता नहीं क्या हुआ जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते घर परिवार नहीं होता उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है ये जानते हैं यशोधर जी बच्चों का होना भी जरूरी है यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा पृष्ठ संख्या सात लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई ये बात नहीं भूले हैं कि गधा पच्चीसी में कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में पचास सौ किस्म की खुराफात की है ककड़ी चुराना पीछे की खिड़की से कूदकर कर सेकेंड शो सिनेमा देखना कौन करम ऐसा है जो तुम्हारे इस किशनदा ने नहीं कर रखा जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे यह भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिकरा है जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया जब तक बाप है तब तक मौज कर ले ये बात यशोधर ये जी कभी कभी तंजिया कहते हैं लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वो बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनाथ होना गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं लेकिन दो के चार करने वाली दुनिया ही उन्हें कहां मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करें दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का ये कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डी फ्लैट के लिए पैसा ना भर के भयंकर भूल की है किंतु संभाव यशोधर बाबू को किशन धा की कि ये उक्ति अब भी जचती है मूरख लोग मकान बनाते हैं सयाने उनमें रहते हैं जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर रिटायर होने पर गांव का पुश्तनी घर बस पृष्ठ संख्या आठ गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक हाँ है कि वहां जाकर बसना मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं बच्चे बहस में जब ये तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं उसमें तो एक ही तरह से सोचने वाले होते हैं कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है उतना ही वो परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े असीक का फूल चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहां एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास लगा नहीं सच तो ये है कि वो भीतर से बहुत ज्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं हाँ इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वो भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूं तब उससे कहते कि भाई लगना चाहिए अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की जो करते हैं जैसा करते हैं करें हमें तो अब भी इस वर्ल्ड की नहीं उसकी इस लाइफ की नहीं उसकी चिंता करनी है वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है अब नहीं मांगते तो न मांगे यशोधर बाबू ने फिर अपने को झड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए गीता महिमा सुनो पृष्ठ संख्या नौ सुनने लगे मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई परसों ही पर कार्ड आया है कि उनकी तबियत खराब है यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि ये प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहां जाना जरूरी समझते हैं वो चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं अभी उस दिन हद हो गई कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि सौ रुपए उधार ले सके यशोधर जी का नारा हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चढ़ती है पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है मां के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वो गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे बुआ का ऐसा कोई लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहां की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते मैट्रिक पास करते ही वो दिल्ली आ गए और यहां रहे कुंवरे कृष्णानंद जी के साथ कुआरे की गृहस्थी में देखने को होता क्या है पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है कि कुछ नहीं तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों की देखी यादें बना डालते हो किशनदा को जो भी मालूम था वो उनका पुराने गवाई लोगों से सीखा हुआ ठहरा दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निप सकते हैं कौन से नहीं पृष्ठ संख्या दस पत्नी का कहना है कि किशनदा थे ही जन्म के बूढ़े तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद उड़ने लगे हो तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा है हफ्ते में दो दो सिनेमा देखते थे गजल गाते थे गजल गजल हुई और सहगल के गाने यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है लेकिन वो समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है पत्नी से वो कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल ये बगैर बाह का ब्लाउज पहनना ये रसोई से बाहर दाल भात खा लेना ये ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही पचासों काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं मुझे तो वे ही मालूम होते हैं anyway, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा देर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज़ होना नहीं चाहिए यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वो थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं इसी परिवार में लीन होता है यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें, और साथ ही वो अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा वान के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीजें वान के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है रिटायर होकर फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड समझे इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशंदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं और कहकर उनकी तरह की नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजरी लगाने पहुंचते रहे स्वयं किशनदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ ऐसा कहना कभी नहीं भूलते जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी दा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ सैर में ले जाना शुरू किया और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए तब भी किशनदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है हर सवेरे वो किशनदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाए किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते पृष्ठ संख्या ग्यारह यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वो सुबह की सैर को निकले किशनदा की ही है कुर्ते पाजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने सिर पर गोल विलायती टोपी और पाओ में देशी खड़ाऊ धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्ट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और इसी कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया घर में होली गवाना, जन्म पुण्यों के दिन सब कुमाइनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किशनदा से विरासत में लिए थे उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया है यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए लेकिन जब समाज ही ना हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किशनदा से लिया करता था यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा ना ताछा जिसके मन में जैसा आया करता रहा ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज्यादा होगी लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा मानो ना मानो झूठे मुंह से सही एक बार पूछ तो लिया करो ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू और बच्चे यही उत्तर देते हैं बब्बा आप तो हद करते हैं जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछे पृष्ठ संख्या बारह प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से ये प्रस्ताव करते कि दूध लाना राशन लाना सी जी एच एस डिस्पेंसरी से दवा लाना सदर बाजार जाकर दालें लाना पहाड़गंज से सब्जी लाना डिपो से कोयला लाना ये सब काम आप छोड़ दें अब हम कर दिया करेंगे एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर तू क्यों नहीं करता इतना कुहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना भी बंद कर दिया जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते? ईजा को भी आराम हो जाएगा कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा यशोधर बाबू को यही somehow improper मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे ये सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में जाता है लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो इस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूं आपके से नहीं जो आप चीनी करें इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है अपना वेतन अपने ढंग से वो इस घर पर खर्च कर रहा है कभी कारपेट बिछवा रहा है कभी पर्दे लगवा रहा है कभी सोफा आ रहा है कभी डनलप वाला डबल बेड और सिंगार मेज, कभी टीवी कभी फ्रिज क्या हुआ ये? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए ये टीवी ले आया कहता यही है कि मेरा टीवी है समझे इसे कोई ना छुआ करे क्वार्टर ही उसका हो गया ये अच्छी रही अब इनका एक नौकर भी रखो घर में इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा हमारे लिए तो क्या होगा ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं नौकरों को सौंप कारोबार चौपट हुआ कहते हैं यशोधर बाबू पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लॉनों को पार कर स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें तीन क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे उन तीन में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा है वाई डी पंत पृष्ठ संख्या तेरह इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था गिव माई वोम रिगार्ड्स टू योर फादर यशोधर बाबू ठिठक गए उन्होंने अपने से पूछा क्यों आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा होगा उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया जो करते होंगे ये लौंडे मौडे इनकी माया यही जाने अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। लड़की जीन और बगैर बा का टॉप पहने हैं शोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम्हारी ये पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो संभाव इमप्रॉपर मालूम होती है लेकिन वो भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है कहती है वो सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया बहुत तुम्हारे कहने पर समझे मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है पुत्री का पक्ष लेने वाली ये पत्नी इस समय ओठों पर लाली और बालों में खजाब लगाए हुए थी जबकि ये दोनों ही चीजें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को सम्हा इमप्रॉपर ही मालूम होती हैं। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते हैं जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया भीतर अब भी पार्टी चल रही थी उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे पृष्ठ संख्या चौदह उनके बड़े बेटे ने झड़की सी सुनाई बब्बा आप भी हद करते हैं सिल्वर वेडिंग के दिन साढ़े आठ घर पहुंचे हैं अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे हम लोगों के यहां सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंसती जब से तुम्हारा बेटा डेढ़ हजार माहवार कमाने लगा तब से यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की जो इसी साल एस एस पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं लेकिन कुल मिलाकर उन्हें ये अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में ना आता हो तथापि वो ये बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में डेढ़ हजार महावार प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा जाना कोई मामूली बात नहीं है पृष्ठ संख्या पंद्रह इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई संभाव मेरी तो समझ में आता नहीं इसकी क्या जरूरत थी तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया और आज भी वो यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो संभाव रोटी जैसी लगती नहीं तथापि वो जानते हैं गैस ना होने पर वो इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फायदा क्या है बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन तो आता नहीं गला पकड़ लेता है कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समाओ संतोष हुआ कि जिस अनाथ के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए जिसने विवाह भी कोऑपरेटिव से दो चार हजार कर्जा निकालकर किया बगैर किसी खास धूमधाम के उसके विवाह की पच्चीसवीं वर्षगांठ पर केक चार तरह की मिठाई चार तरह के नमकीन फल कोल्ड ड्रिंक्स चाय सब कुछ मौजूद है गिरीश बोला मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन सैतालीस को हुई थी और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं पृष्ठ संख्या 16 मैंने आपके दफ्तर फोन किया लेकिन शायद आपका फोन खराब था तब मैंने भूषण को फोन किया भूषण ने कहा शाम को आ जाइए पार्टी करते हैं मैं अपने बॉस को भी बुला लूंगा इसी बहाने गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला सम्हा भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है जिंदगी बना दी तुम्हारे सेकंड क्लास बीए बेटे की कहते हो बिगाड़ दिया भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उनकी ओर पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हर चंद ये जताने की कोशिश की कि भले ही वो संस्कारी कुमाऊनी है तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित है किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए सीखना हर एक की बात ठहरी लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई टाई सूट पहनना आना चाहिए लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है ये नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटें। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई वहीं से उसने पति को भी पुकारा यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई यशोधर बाबू ने कहा समाओ आई डोंट लाइक ऑल दिस लेकिन एनीवे anyway, उन्होंने केक काट ही दिया गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का पत्नी ने खा लिया मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं इसमें अंडा पड़ा होता है उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा लेकिन वो नहीं माने तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लें। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का यत्न किया लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है इस पर भूषण ने झुंझलाकर कहा तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे पृष्ठ संख्या सत्रह नहीं नहीं आप सब लोग खाइए यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा प्लीज गो अहेड नो फॉर्मेलिटी यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज्यादा ही देर लगाई इतनी देर कि ज्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं उनकी पत्नी उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे जल्दी खींचिए मेहमान लोग जा रहे हैं शाम की पंद्रह मिनट की पूजा को लगभग पच्चीस मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाजें आती सुनाई दी तब यशोधर बाबू पदमासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए वो चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए किशनदा कह रहे थे कि भाव सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो अमीर हो गरीब हो मरते जो हुआ होगा से ही है हां हां शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में बस अपना नियम अपना हुआ यशोधर बाबू ने पाजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने सिर पर गोल विलायती टोपी पावों में देशी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए इस किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए उनका विरोध करने के लिए नहीं बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए हर रविवार किशनदास शाम को ठीक चार बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती उनका कहना था कि जिसे फूंक मारकर ना पीना पड़े वो चाय कैसी चाय सुड़कते हुए किशनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे पृष्ठ संख्या अठारह यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमादा से मालूम होते हैं कैसी बीवी कहां के बच्चे ये सब माया ठहरी और ये जो भूषण आज इतना उछल रहा है वो भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा मेहमान गए पत्नी ने बताया कुछ गए हैं कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन हैं। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं वो उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वो संध्या करने बैठे थे ये गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से विरासत में मिली है और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। एवरीबडी गॉन पार्टी ओवर यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है उनकी बेटी झल्लाई लोग चले गए इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाए बब्बा यू आर द लिमिट बेटी हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी बोले ये कौन भूले जा रहा है भूषण बोला आपके लिए प्रेजेंट है खोलिए ना सुमर में क्या हो रहा है प्रेजेंट प्रेजेंट तुम खोलो तुम ही इस्तेमाल करो कहकर शर्मिली हंसी हंसे भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला इसे तो ले लीजिए यह मैं आपके लिए लाया हूं ऊनी ड्रेसिंग गाउन है आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं जो बहुत ही बुरा लगता है आप इसे पहन के जाया कीजिए पृष्ठ संख्या उन्नीस बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने थोड़ा सा ना नुच्छ करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की गाउन का सैश कसते हुए उन्होंने कहा अच्छा तो ये ठहरा ड्रेसिंग गाउन उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर में सरासी नमी चमक गई ये कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुप गई कि उनका जो बेटा कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें वो ये नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूंगा या केस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वो किशंदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई पृष्ठ संख्या बीस अभ्यास प्रश्न पहला यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं ऐसा क्यों प्रश्न दो पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं या सकती हैं प्रश्न तीन सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है प्रश्न चार यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में कशिंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे प्रश्न पांच वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहां तक सामंजस्य बिठा पाते हैं प्रश्न छ इनमें से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे या कहेंगी और क्यों क हास्य पर धकेले जाते मानवीय मूल्य ख पीढ़ी का अंतराल ग पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव प्रश्न सात अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे प्रश्न आठ यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है दिए गए तीन कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं अपने अनुभवों और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए क यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। ख यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है ग यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्ति हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही उचित है वितान भाग दो अभी आप सुन रहे थे कक्षा बारह के लिए हिंदी की आधार ध्वनि पाठ्य पुस्तक वाचन सुचित्रा गुप्ता और सुनील लोहिया निर्माण एवं संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी ई टी एन सीईआर टी